हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। सो बेसिकली मेरी जो मॉर्निंग है सुबह स्टार्ट हो जाती है 7 o'clock से, क्योंकि वो टाइम होता है तैयब मीसम के स्कूल का टाइम, और वो टाइम इतना कुछ जल्दी जल्दी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। बल्कि आज मैं वो पार्ट रिकॉर्ड करना भी भूल गई। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो पार्ट तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो मैं बनाई थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए, और मैं नाश्ते में बनाई थी बर्गर्स। और स्पेशली जो सुबह 7 o'clock से लेकर 12 o'clock तक का टाइम होता है वो इतना कोई मेरा फास्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे तैयब को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद मीसम को स्कूल भेजना होता है, फिर एसन को ऑफिस जाना होता है। सो वो बहुत ही सब काम फास्ट फास्ट हो रहे होते हैं। और आज मैं करूँगी घर के थोड़े बहुत काम, और मैंने जाना था ग्रोसरी करने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। और क्योंकि मेरे पास 2-3 घंटे हैं, उसमें मैंने घर के काम भी करने हैं, ग्रोसरी भी करनी है, और फिर मीसम को भी पिक करना है 12 बजे तक जाके। सो ये सारे काम जल्दी जल्दी से हमने करने आज, और इन सारे कामों में अपनी सेल्फ केयर करना कभी ना भूलें। और मैंने यहाँ पे कर ली थी अपनी स्किन केयर, और मैं स्टार्ट करने लगी थी अपना लाइट सा मेकअप। और मैंने अब अपनी रूटीन बना ली है कि चाहे मैं जितनी बिजी हूँ, अपनी स्किन पे मैं 5 से 10 मिनट लाजमी देती हूँ, उससे मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ मैं गई थी अपनी लाइट सा मेकअप, और मेकअप करने के बाद मैं जल्दी से ग्रोसरी करने के लिए निकलूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, और मेरे पास ओनली 2 आवर्स हैं, और मैंने इसमें ग्रोसरी भी करनी है और मीसम को भी लेने आना है। और बस जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं फिर चलते हैं। सो ग्रोसरी हो गई है मेरी डन, और ऑलमोस्ट अभी 1 आवर है। सो ये सारा सामान घर पे ड्रॉप करेंगे, फिर डायरेक्ट हम मीसम को पिक करने चलेंगे। सो ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, जो सुबह से स्टार्ट होती है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब अब इसको ले आई हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मेरे को आप ही बाय बाय कर दो।